Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों देखिए, इलेक्शन तो बीत चुका है, 2024 का लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस जो है वो सरकार बना रहा है। हालांकि ये तो नतीजे हो गए, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार वो कौन से नेता हैं जो सबसे ज्यादा वोट से जीते हैं। टॉप 5 नेताओं की बात करेंगे और टॉप 5 में वो कौन से नेता हैं जो सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले नंबर पर जो सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने वाले हैं वो हैं धुबरी। असम लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। असम के धुबरी लोकसभा सीट पर रकीबुल हुसैन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो तकरीबन 10,12,476 वोट से चुनाव जीते हैं। उनको कुल जो है 14,71,885 वोट मिला है। तो उनका लड़ाई जो है ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट से था, जिनको 4,59,409 वोट मिला है। और कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो सबसे ज़्यादा वोट से तकरीबन 10,12,000 के वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं। दूसरा नंबर है बीजेपी का, मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट, जहाँ पर शंकर लालवानी चुनाव लड़े थे और उनका मुकाबला बहुजन समाज पार्टी के संजय से था। संजय लालवानी को 12,26,751 वोट मिले हैं और वो तकरीबन 10,08,077 वोट से चुनाव जीत गए हैं। तो ये जो है दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो तीसरा नंबर भी भारतीय जनता पार्टी को जाता है, मध्य प्रदेश के विदिशा लोकसभा सीट, जहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से चुनाव लड़े थे। 11,16,460 वोट मिला था और उनका लड़ाई जो है प्रतिभानु शर्मा से था और शिवराज सिंह चौहान जो है तकरीबन 8,21,408 वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं। इसके अलावा चौथा नाम भी भारतीय जनता पार्टी का आता है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात के नवसारी सीट से सी आर पाटिल बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उनका लड़ाई जो है नसीद भाई भूप भाई देसाई से था, कांग्रेस पार्टी के जो थे, और यहाँ पर सी आर पाटिल ने तकरीबन 7,73,551 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया है। और पांचवें नंबर पर भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह का नाम आता है। बीजेपी से चुनाव लड़े थे गुजरात के गांधीनगर लोकसभा सीट पर, जहां उनको 10,10,972 वोट मिले थे। तो सोनल रामभान पटेल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी उनको 2,66,000 वोट मिले थे और अमित शाह जो है तकरीबन 7,44,716 वोट से चुनाव जीते हैं। तो ये 5 टॉप उम्मीदवार हैं जिनको जो है सबसे ज्यादा वोटों से इनको जीत का अंतर हुआ है और इसमें से पहला नंबर कांग्रेस पार्टी का है और बाकी 4 जो नंबर हैं वो बीजेपी के हैं। तो एक अपडेट था। बाकी इन 5 कैंडिडेट में आपका पसंदीदा कैंडिडेट कौन है कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।